नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मलयालम के दिग्गज अभिनेता ममूटी और उनकी फैमिली के बारे में। जानेंगे इनके परिवार के सदस्यों के बारे में, साथ ही साथ मिलाएंगे आपको कुछ ऐसे लोगों से जिनको शायद आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे इस चैनल फिल्मी वाणी पर साउथ के लगभग सभी एक्टर्स की फैमिली के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप अपने पसंदीदा वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ममूटी मलयालम इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में से एक हैं, जो एक फिल्म में काम करने के लिए काफी मोटी फीस चार्ज करते हैं। ये पिछले 4 दशकों से मलयालम इंडस्ट्री पर रूल कर रहे हैं और आज तकरीबन 400 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिसमें ज्यादातर मलयालम फिल्में रही हैं। इसके अलावा ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। इन्होंने मलयालम इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में काफी सपोर्ट किया है और ये हमेशा से मोहनलाल सर के टफ कम्पिटिटर रहे हैं। दोस्तों, मोहनलाल सर पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया जा चुका है, अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो लिंक आपको ऊपर आई बटन पर दी गई है। वैसे इनका पूरा नाम है मोहम्मद कुट्टी पना परामबिल इस्माइल। इनका जन्म 7 सितंबर साल 1951 को चंदीरूर कोचीन में हुआ था, जो कि अब केरल के अंतर्गत आता है। इनके पिता का नाम है इस्माइल, जो कि कपड़े और चावल के थोक विक्रेता थे। वहीं इनकी माता का नाम है फातिमा, जो कि एक साधारण गृहिणी थीं। दोस्तों, ममूटी कुल 6 भाई बहन थे, जिसमें ममूटी सबसे बड़े थे। इनसे छोटे इनके 2 भाई और 3 बहनें हैं, जिसमें इब्राहिम कुट्टी और जकारिया इनके 2 भाई हैं। वहीं अमीना, सौदा और साफिना इनकी 3 बहनें हैं। दोस्तों, इब्राहिम कुट्टी को छोड़कर इनके बाकी के सभी भाई बहन फिल्मी दुनिया से दूर रहे हैं। बात करें इब्राहिम कुट्टी की तो मैं आपको बता दूं, ये केरल के मशहूर टीवी एक्टर हैं और मकबूल सलमान के पिता हैं। अब कौन है मकबूल सलमान, तो मैं आपको बता दूं, ये भी मलयालम सिनेमा के एक एक्टर हैं और दुलकर सलमान के कजन ब्रदर हैं। इन्होंने असुराविंतु मूवी में एक छोटे से रोल से अपने करियर की शुरुआत करी थी। इसके अलावा ये मैटनी, परायन बाकी और हैंगओवर जैसी फिल्मों के लीड हीरो भी रह चुके हैं। दोस्तों, ये अब तक 20 फिल्मों में नजर आ चुके हैं और फिलहाल अभी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स करते हुए नजर आते हैं। खैर, वापसी करते हैं ममूटी सर पर। दोस्तों, ममूटी सर की प्रारंभिक स्कूलिंग कुलासेखरा मंगलम गांव के सरकारी स्कूल से हुई थी। बाद में इनके पिता इरनाकुलम में शिफ्ट हो गए थे और इनकी बाकी की पढ़ाई वहीं के गवर्नमेंट स्कूल से पूरी हुई थी। दोस्तों, ममूटी सर लॉ के ग्रेजुएट हैं, जो कि इन्होंने महाराजा कॉलेज से पूरा किया था। इसके बाद इन्होंने 2 सालों तक लॉ की प्रैक्टिस भी करी है। इसके बाद इन्होंने अचानक लॉ छोड़कर फिल्मों के लिए संघर्ष करना चालू कर दिया। अपने करियर की शुरुआत में इन्होंने साजिन नाम से फिल्मों में कदम रखा था और बाद में इन्होंने इस नाम को बदल के ममूटी कर दिया है। ये सबसे पहले साल 1971 की मूवी अनुभवांगल पाली चाकल मूवी में नजर आए थे, जिसमें इनको क्रेडिट तक नहीं दिया गया था। इनकी दूसरी फिल्म थी काल चक्रम और इस फिल्म के लिए भी इनको कोई क्रेडिट नहीं दिया गया था। इसके बाद ममूटी सर थिएटर करने लगे थे। दोस्तों, 70 का दशक खत्म होने तक ये कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स में नजर आते रहे और इनका संघर्ष चालू रहा। इसके बाद इनको साल 1979 की मूवी देवलोकम में पहली बार बतौर लीड हीरो कास्ट किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश ये फिल्म अधूरी रह गई और कभी रिलीज ही नहीं हो सकी। इस तरह साल 1980 तक इनका संघर्ष चालू रहा। फिर आई इनकी मूवी मेला, जिसमें ये पहली बार एज अ लीड हीरो नजर आए। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, लेकिन अब इनको अच्छे रोल्स मिलना चालू हो गए। अब ये कई फिल्मों में काम कर रहे थे और हर फिल्म में या तो ये सेकंड लीड हीरो थे या तो सपोर्टिंग रोल में थे। इस तरह 5 साल और बीत गए और इन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिसमें अहिस्मा, यवनिका और पदायुट्टम जैसी बड़ी फिल्में शामिल थीं। तकरीबन 1 दशक के लंबे इंतजार के बाद वो फिल्म रिलीज हुई, जिसने ममूटी सर को एक सुपरस्टार का दर्जा दिला दिया। फिल्म का नाम था न्यू दिल्ली और ये साल 1987 की फिल्म थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इस फिल्म के लिए ममूटी सर को बेस्ट एक्टर के अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद ये उरू सीबीआई डायरी मूवी में सीबीआई ऑफिसर के रोल में नजर आए। दोस्तों, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इस फिल्म के कई रीमेक और कई सीक्वल बने, जिसमें नारायण सीबीआई और सेथुरामा अय्यर सीबीआई जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके बाद इनको उरु वेदक्कन वीर गाथा मूवी के लिए नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। वहीं इनकी फिल्में मृग्या, अमरम, अनर्थम, द किंग और भूताकट्टी जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड सेट कर रही थीं।
इस दौरान ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मूवी में भी नजर आए। ये इंग्लिश भाषा की फिल्म थी और इस फिल्म के लिए इनको तीसरी बार नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। इन्हीं की मेघम, हरी कृष्णन, से वेलिटियन, दुबई, क्रॉनिक बैचलर और राजा माणिक्यम जैसी फिल्में मलयालम इंडस्ट्री की बिगेस्ट हिट हैं। इसके अलावा ये ड्रोना, 15 अगस्त, द किंग एंड द कमिश्नर, शिकारी, कोबरा, बाल्या कृष्णन, भास्कर एंड रास्कल, मना मगन और द ग्रेट फादर जैसी 400 से ज्यादा फिल्मों में नजर आ चुके हैं और इन फिल्मों को एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है। अगर आपको इनके फिल्मी सफर पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, ममूटी सर को इनके पूरे फिल्मी कैरियर में 3 नेशनल अवार्ड, 7 केरला स्टेट अवार्ड, 13 फिल्मफेयर अवार्ड और पद्मश्री जैसे अवार्ड से नवाजा जा चुका है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इनके मैरिटल स्टेटस की। दोस्तों, इनकी शादी साल 1979 में सुल्फत जी से हुई है, जिनसे इनको 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम है दुलकर सलमान और बेटी का नाम है सुरुमी, जो कि एक पेंसिल आर्टिस्ट हैं और फिल्मों से दूर रहती हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इनके बेटे दुलकर सलमान की। दोस्तों, दुलकर सलमान भी मलयालम इंडस्ट्री के यंग प्रॉमिसिंग एक्टर हैं, जो मलयालम फिल्मों के अलावा तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। इनका जन्म 28 जुलाई साल 1986 को हुआ था। इनकी प्राइमरी स्कूलिंग टॉक एच पब्लिक स्कूल से हुई थी, वहीं इनकी सेकेंडरी स्कूलिंग सिस्या स्कूल चेन्नई से पूरी हुई है। इन्होंने MBA किया हुआ है, ये USA में जॉब कर चुके हैं और दुबई में इनका IT रिलेटेड बिजनेस भी रह चुका है। बाद में इन्होंने एक्टिंग करने का मन बनाया और इन्होंने बैरी जॉन स्कूल से एक्टिंग भी सीखी है। दोस्तों, इन्होंने सेकंड शो मूवी से अपना डेब्यू किया था, जिसके लिए इनको फिल्मफेयर के बेस्ट डेब्यू के अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके बाद इनकी दूसरी फिल्म थी उस्ताद हॉस्टल और इस फिल्म के लिए इनको फिल्मफेयर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। वहीं इनकी तीसरी फिल्म थीवरम बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन इनकी चौथी फिल्म ABCD बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद ये सुंदरी काल और नीला आकाशम जैसी फिल्मों में नजर आए और हर फिल्म में इनकी एक्टिंग की तारीफ हुई, साथ ही साथ इनके चॉइसेस को भी काफी अप्रिसिएट किया गया। लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। इनकी अगली फिल्म पत्तम पोले और सलाला मोबाइल भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर आई इनकी मूवी बैंगलोर डेज। दोस्तों, ये मूवी बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई, साथ ही साथ उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसर रही। इसके बाद से इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करने लगी और इन्होंने फिर कभी पीछे मुड़के नहीं देखा। ये अपने 8 साल के फिल्मी कैरियर में तकरीबन 30 फिल्मों में नजर आ चुके हैं, जिसमें मलयालम, तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्में शामिल हैं। ये ओ काडल कनमनी और सोलो जैसी फिल्मों के जरिए तमिल इंडस्ट्री में, मानती फिल्म से तेलुगु इंडस्ट्री और कारवा मूवी के जरिए बॉलीवुड में कदम रख चुके हैं। इन फिल्मों के अलावा इनकी बेस्ट ऑफ बेस्ट फिल्मों में चार्ली, सोलो, महानती, जो मोंटे, सुविसे मंगल और 100 डेज लव जैसी फिल्में शामिल हैं। आज ये कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं और इन्हें मलयालम का स्टाइल आइकन माना जाता है। बात करें इनके मैरिटल स्टेटस की, तो मैं आपको बता दूं, इनकी शादी अमल सूफिया जी से हुई है, जो कि एक आर्किटेक्ट हैं। दोस्तों, इस शादी से इनको एक बेटी है, जिनका नाम है मरियम अमरी सलमान। तो दोस्तों, ये रहा ममूटी और दुलकर सलमान की फैमिली पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो। आपको ममूटी और दुलकर सलमान सर कैसे लगते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं, ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।